वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन पातशाह का शहीदी दिहाड़ा अते जून 1984 के कल्लूकारे के निमित्त हर साल गिरफ्त शहर के समागम कराया जाता है। उस समागम के नाल ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध इवेंट शहीद खेड मेला भी होंदा है, जिथे ऑस्ट्रेलिया भर तो सिख संगत बड़ा हुम हमा के पहुँचदिया ने। इस बार आप सब जाणो कि कोविड-19 के चलद शहीदी खेड मेला वो किसी भी हालत दे विच करवाना संभव नहीं सी, पर शहीदी समागम जो इस खेड मेले का धुरा है, जो इस खेड मेले का मूल है, वो उसे ही तरह करवाए गए ने। सरकार दे वल्लों दित्तियां होईयां हदायतां नूं ध्यान दे विच रखदे आं, भावें कि असीं राइट नाउ न्यू साउथ वेल्स की धरती दे उत्ते खड़े आं अते न्यू साउथ वेल्स दे विच 50 तक की गिणती दे विच जिहड़े श्रद्धालु ने किसी भी धर्म नूं मन्नण वाले वो अपनी धार्मिक स्थान दे उत्ते जा सकते हैं। गिरफ्त दे विच वैसे भी आबादी घट आ कंपेयर टू मेलबोर्न ते सिडनी, सो संगतां आ रही ने अते जा रही ने। सो अज दे दिन दे उत्ते असीं शहीदी टूरनामेंट ते शहीदी समागम दे इतिहास दे उत्ते थोड़ी जी गलबात करांगे। साडे नाल गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान भाई परशोत्तम सिंह ने अते होर पतवंते सज्जन जिन्हां दा इस टूरनामेंट नूं शुरू कराउण दे विच शहीदी समागम नूं शुरू कराउण दे विच बहुत वड्डा योगदान आ। सो आओ असीं गलबात भाई परशोत्तम सिंह होरां तों शुरू करदे आं। भाई साहब जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सो अज आपां कहदे कि 24वां साल चल रहा, जिवें गलत ना होवां, शहीदी टूरनामेंट ते शहीदी समागम हुंदे नूं जदों तुसीं पहले साल तो देखदे हो ते हुण 24 साल हो गए ने, सो पिछे जो रंग भाग परमात्मा ने लाए ने, जो संगत नूं इत्थे जोड़िया है, सो उहदे बारे दो शब्द। मेरे पातशाह सब तो पहला गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी का आपां सारे गुरुआं दा शुक्रगुजार करदे हां ते जिन्हां ने सानूं मतलब सेवा करन दा मौका हमेशा ही दिंदे आ। ते पिछले सालां तों कई सालां तों असी जिस तरह वीर जी ने दस्या वी असी इह मना रहे हैं, ते इस साल सिर्फ इस वास्ते रीज़न जो सारे नूं पता ही आ वी करोना वायरस करके, ते जिस तरह वीर जी ने दस्या ही अगे वी 50 बंदियां तों ज़्यादा असी मतलब नहीं हो सकते, पर फिर भी असी पिछले हफ्ते तो गुरु साहब जी का अखंड पाठ शुरू किया होया सी जिहड़े कि अज भोग पाए गए हैं, तो महाराज ने कृपा की। तो बाकी मैं सिर्फ यही बेनती करूँगा भी जिस तरह अगे भी असं करते रहे हैं तो गांह सिर्फ गवर्नमेंट करके भी सरकार ने जो रूल बनाए आदि करके सू रुकना पाया, नहीं तो साड़ी पूरी तैयारी सी, पर गांह असी फिर इस तरह जिस तरह भी अगे पिछले हुंदा रहा जरूर करांगे जी गुरु महाराज की कृपा के नाम। धन्यवाद। तो सो परशोत्तम सिंह जी, सो तुसी शुरू तो इस टूरनामेंट के नाल जुड़े हुए हो, पिछे जसवीर सिंह जी खड़े ने, सो उन्होंने मैं सदना चाहूँगा, तुसी कोई होर ऐड करना चाहते हो? गल सिर्फ यही ऐड करना चाहना जी भी प्यारे वीरो संगत जिदा भी तुम हुम हुमा के पहला आते सके, नैक्सट ईयर भी असी जे परमात्मा ने ठीक रखिया तो असी नैक्सट ईयर इस तरह पूरी तरह के नाल आप कोशिश करके उदा ही मतलब जिस तरह पहला मना मनाते सी उसी तरह मनावांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सरदार जसवीर सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो जदों तुसी पहला टूरनामेंट देखते हो तो शहीदी समागम देखते हो तो अज बहुत साल हो गए ने, भाव कि हजारां की गिणती दे विच संगतां हरेक साल आउंदियां जांदियां ने इस निक्के जे पिंड दे विच, निक्के जे टाउन दे विच। सो उदों तो लैके अज तक दी जिहड़ी गिरफ्त दीआं संगतां दी कमाई आ ते बाकी सहयोग आ उहदे बारे दो शब्द। पहलां तां जी मैं पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी समागम नूं कोट कोट प्रणाम जी। दूसरा तुहाडा कौमी रेडियो जी, तुसीं मेलबोर्न तों चल के आए, तुहाडा बहुत धन्नवाद जी जो तुसीं कवरेज आ के कर रहे हो। तुसीं भी साडे नाल शुरू तों जुड़े हां जी। असीं तकरीबन 24 साल पहला शहीदी टूरनामेंट शुरू किया, उदों संगत की कोई आमद 250 तो 500 सी जी, जो कि अज जे असीं देखिए पिछले साल की आमद तकरीबन 20,000 की गैदरिंग सी। इस बार बड़िया तैयारियां कीतियां सगियां जी, सारिया क्लबां दा साडा संपर्क होया सी, पर कोविड-19 करके सानू ये
24वां शहीदी टूरनामेंट पोस्टपोन करना पिया, पर असी ये अगले साल उम्मीद करते हैं कि आस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड तो विदेशों तो संगत हम आ के पुजनगियां तो इस शहीदी टूरनामेंट की रौनक वधाउणगियां जी। सो धन्यवाद तुहाडा जसवीर सिंह जी इस सद्दे लई अगले साल दे लई अते संगतां दे सहयोग दे लई धन्नवाद। उम्मीद करदे हां कि अगले साल सारे ही आस्ट्रेलिया तो संगत हम हमा के पहुँचनगियां। वैसे तो परमात्मा ने हुण भी इस 6 जून तक काफ़ी काम खोलता गा, लग नहीं रहा कि एड्डी छेती असीं भी पहुँच जावांगे इत्थे, क्योंकि बॉर्डरां ते पाबंदी हो सकती जेकर काम वधदा रहिंदा, पर उम्मीद है कि अगले साल तक काम बहुत सानू रेला हो जूगा। असी पूरी उम्मीद रखते हैं जी, परमात्मा की पूरी कृपा होगी, तुहानू भी असी सद्दा दिंदे जी अगले साल लई, समूह संगतां नू सद्दा दिंदे आ कि हम आ के गिरफ्त की छोटी जिही कम्युनिटी का साथ दिओ अते रौनकां नू वधाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सो सत्संग जी, सन कमेटी दे कुछ मैंबर अते पतवंते सज्जण, सो जिदा असी पहले टूरनामेंट नू देखदे आ कि उस तों लैके अज तक बहुत इस टूरनामेंट ने कमाई की आ, कमाई संगती रूप दे विच कीती आ, कमाई वो नहीं कीती जो आम इवेंटां तो कीती जांदी आ, सो संगत कमाई आ इस शहीदी समागम ने। भाई रंधावा साहब ने इत्थे कमेटी दे विच, शायद रंधावा साहब उन्हां दा नाम जी इत्थे लोकल सज्जन ने, सो उन्हां दी गल दा मैं जरूर जिक्र करना चाहांगा। जदों भाई रणजीत सिंह होरां दे भोग दे उत्ते गए, सरदार रणजीत सिंह शेरगिल जिहड़े कि मोढ़ियां दे विचों इस टूरनामेंट नूं शुरू करन वालियां दे विचों, तो उन्होंने भोग के उत्ते गए, उन्होंने बहुत सोहनी गल आखी सी। उन्होंने कहा कि होर भी बहुत सारे इवेंट होंगे आस्ट्रेलिया दे विच जिन्हां दे उत्ते सिखी का नाम भी आ, पर जो इस टूरनामेंट की शान कायम रखी आ, भाव कि इत्थे जिहड़ा सभ्याचार रहा गा वह सिख सभ्याचार ही रहा गा, इत्थे किसी होर मैले कुचैले सभ्याचार नूं नहीं नेड़े भौंकण दिता, भाव कि इस टूरनामेंट की शान आ जिहड़ी ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਦਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਊਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 24ਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 24 ਦੇ 24 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਹੰਢਾਏ ਆ, ਕੀਤਾ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਆ
असी सारे फिर इकट्ठे होवांगे। सो सतगुर सच्चे पातशाह साढ़े उत्ते मेहर करनगे, साढ़े शहीद ने वो मेहर करनगे। सो जून 1984 दे घल्लूघारे अते सब सिख शहीदां नूं समर्पित जिहड़ा इह टूरनामेंट आ ते शहीदी समागम अगले साल बड़ी चढ़दी कला दे नाल कराया जाएगा, जिहनूं असीं शहीदी खेड मेले दे नां दे नाल जाणदे हां। सारे कमेटी वालों का एक बार पतवंत सज्जणां दा फिर बहुत बहुत धन्नवाद, ते व्यूअर्स दा वी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।